अब तय ये हुआ है जो ओबीसी एससी संयुक्त संगठित मोर्चा जो है जो इस मंच पर मौजूद है उन्होंने तय किया कि 6 तारीख को हम लोग महाआंदोलन करेंगे। उसी के लिए मैंने वो लाइन कही थी कि संघर्षों की तारीख आबाद रखेंगे और इस बार ऐसे लड़ेंगे लड़ाई कि विरोधी भी याद रखेंगे। अभी हुकूमत जब तानाशाही करती है ना सब तरफ हमला करती है, चाहे जुडिशरी से करवाए। अभी एक छोटा भैया को बोलते कह रहा था, मैं हल रहा था कि न्यायपालिका उसकी नहीं मानते हैं, कौन से न्यायपालिका। मैंने अभी बताया था वहां तो इससे भी ज्यादा करप्शन है और रिकॉर्ड कर लेना और दे देना उनको, फांसी चढ़ा दे मुझे सच बोलने पे। अगर सच बोलने की सजा फांसी है तो मुझे फांसी चढ़ाए सुप्रीम कोर्ट। वहां कौन सा कंपटीशन होता है जिससे कोई जज बन जाए सुप्रीम कोर्ट का। वहां तो पिछले लगातार 250 परिवारों का कब्जा है, जज का बेटा जज, जज का भतीजा जज, जज की बेटी जज, जज का जमाई जज, जज का भाई जज। और काबिलियत की बात मेरिट की बात हमसे करते रहे मत करो, सामना तो करके देखो। मैं कह रहा हूं सबसे कमजोर जिसको समझते हो उसको चुनो और रेस की लाइन एक करो। जितनी सुविधाएं आप लेते हो उतनी सुविधाएं हमारे व्यक्ति को तो और कंपटीशन करवा लो। मुझसे भिड़ोगे तो अगली कई पीढ़ियों का और पिछली कई पीढ़ियों का इतिहास याद दिला दूंगा। ये जो सामने बैठे हैं ना, ये जो सामने बैठे हैं इनमें से एक चुनो और टेस्ट तय करो, पोस्ट तय करो, रेस की लाइन एक तय करो, सुविधाएं एक तरह तय करो। अगर इनमें से एक को हरा दो तो पूरा बहुजन समाज हार जाएगा, मैं वादा करता हूं। असली लड़ाई जो है ना वो अधिकार की, ये देना नहीं चाहते, हम गुलामी में जीना नहीं चाहते, समझ रहे हो। तो मैं पूछ रहा हूं यहां अगर आईपीएस बनाना हो तो टैक्स होता नहीं होता है, यहां अगर आईएएस बनाना टैक्स होता नहीं होता है, यहां अगर डॉक्टर बनाना हो टैक्स होता नहीं होता है, वकील बनाना हो टैक्स होता नहीं होता है, इंजीनियर बनाना हो टैक्स होता ही नहीं होता है, अगर एक सफाई कर्मचारी की भर्ती आती है उसमें भी टैक्स होता है, एक नलकूप की फोर्थ कर्मचारी की वैकेंसी आती है उसमें भी टैक्स होता है, और ये पुलिस की भर्ती आती है इसमें 5 किलोमीटर दौड़ा के भाला फेंक गोला फेंक कूद ये कर वो कर उसमें भी टैक्स होता है। लेकिन देश की न्याय व्यवस्था चलाने के लिए कोई टैक्स नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं होगा। ये न्यायप्रिय है जैसे सत्ता बदली और हम सरफिरों के हाथ में कुछ आया, सबकी जांच करा दूंगा एक एक सुप्रीम कोर्ट के जज कल पता लगा 20-20 साल से यहां बने बैठे हैं ना बेसिक शिक्षा के निदेशक 20-20 साल से घोटों में घोटालों में मान हासिल करे हुए। शुक्र मनाओ, उनसे कह रहा हूं प्रार्थना करो, हवन करो, दुआएं करो कि इससे बचे रहना, बच के रहना, वरना जो इस देश का पैसा, इस प्रदेश का पैसा लूट लूट के आप लोगों ने खाया पाई पाई वसूल कराई जाएगी, आपसे याद रखना इस बात को। कोई वर्ग मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, सब परेशान। बेरोजगारी की दर किनकी उसमें बढ़ी, इनकी सरकार में जो राम राज्य ला रहे थे, महंगाई किनकी सरकार में बढ़ी, इनकी सरकार में, करप्शन किनकी उसमें बढ़ा, इनकी उसमें, सब कुछ तो इनकी उसमें बढ़ा। और ये कहते हैं हम ईमानदार हैं, ईमानदार कहने से नहीं होता, ईमानदार दिखानी पड़ती है। जब आप उनके साथ ईमानदार निकल जिन्होंने आपकी सरकार बनाई तो आप औरों के साथ ईमानदारी करोगे। मैं बस आज आपको ये बताने के लिए यहां हूं कि 6 तारीख का आंदोलन ऐतिहासिक होगा। आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप अपने साथियों को अवगत कराएंगे और ये बताएंगे कि मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, और रख उछला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और यूं थक हार के ना बैठ मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
आपके 72 दिन इतिहास याद रखेगा, लेकिन जब आपका दिन आएगा वो भी इतिहास याद रखेगा। मैं भी इनसे बता रहा था, भागने वालों का कोई इतिहास नहीं होता और हारने वालों का इतिहास नहीं होता, इतिहास हमेशा वीरों का लिखा गया जाता है। तो जो यहाँ बैठा है, जो लड़ रहा है, वो वीर है, वो नेता है, और उसको मैं आज निरंतर स्वीकार करता हूँ, जिसने इस आंदोलन में आहुति दिए, अपना घर परिवार छोड़कर, सुविधाएं छोड़कर यहाँ रात काटी है। आप तमाम लोग दलित पिछड़ों के सच्चे हितैषी सच्चे नेता तो हो सकते हैं, मैं उनको नेता नहीं मानता जो स्टूल पर बैठ के समाज को बेइज्जत करवा। अब मैं कह रहा हूं दीवारें ऊंची करवा लेना बाबा जी, बांध जाएंगे सब। खूब ऊंची करवा लेना, हाँ चाहे 1+ करवा लेना, इतनी एक एक बहुजन जब लड़ेगा तो इतिहास में याद रखा जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अगर गोली चलेगी तो सबसे पहले सीना जो है आपके भाई का रहेगा, वो तो पीछे नहीं खड़ा होगा आपकी टीम में। इसी काम के लिए तो मैं आंदोलन में आया, और अगर मैं ये काम भी ना कर पाऊं तो मेरे होने पे जो है ना मेरी मां को गर्व नहीं होगा। तो विश्वास कीजिए, आंदोलन मजबूत होगा, ऐतिहासिक होगा और निर्णायक होगा। आर्य पार का होगा, ऐसा निर्णायक होगा, क्या तो फैसला होगा। हमारे यहां तो कहते हैं क्रांतिकारी भाषा में, सामने बैठे हुए यहाँ, विजय या वीर गति, लड़ेंगे और जीतेंगे। और अगर फिर कह रहा हूं सिस्टम के लोगों, अगर नाइंसाफी करने का प्रयास किया फिर सब लोग जानते हैं बीमार मिलता तो तू मुझे बताने की जरूरत।